अभी अभी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और मैं उसका क्वेश्चंस का बहुत ही मुश्किल से इसके लाया हूँ और उसके बाद इसको बनाया हूँ। जो मुझसे बन पड़ा है फटाफट जल्दी जल्दी मैंने उसको बनाने का कोशिश किया है और आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। फटाक से मैं इसके क्वेश्चंस के लिए बनाना तैयार करता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। पूरा को मैंने बनाया है, कुछ क्वेश्चन नहीं बना है, उसको फटाक से एनालिसिस करते हैं। तो चलिए, इस प्रकार है, अलग अलग क्वेश्चन मैंने मतलब 72 का, कभी 95 का, इस टाइप का आ जाएगा, तो इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, लेकिन ये रियल क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चंस है, निम्नलिखित में से कौन सा एकांगी संलयन विषाणु प्रकार जी का नहीं है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एकांगी संकलन विषाणु प्रभाकर जी का नहीं है? तो प्रकाश और परछाई, प्रकाश और परछाई, प्रकाश और परछाई, इसका आंसर डी होगा, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ 43 नंबर। कोशिकाएं भित्ति, कोशिका में अनुपस्थिति होती है, कोशिकाएं भित्ति डैश कोशिका में उपस्थित होती है, तो जंतु में जो किस में उपस्थिति रहती है? जंतु में उपस्थित रहता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन में। 76 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? सीमा शुल्क जो होता है अप्रत्यक्ष कर नहीं है, सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर नहीं है। अब नीचे वाले क्वेश्चंस में हम लोग चलते हैं। नीचे वाले क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार है, इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन, गौरवपूर्ण क्रांति जिसे कहते हैं, उस कब हुआ? इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ? 1678 में। कब हुआ? 1678 में गौरवपूर्ण क्रांति हुआ, इंग्लैंड में 1678 में गौरवपूर्ण क्रांति हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, 75 नंबर क्वेश्चंस। एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है, एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख होता है, पॉजिटिव, क्या होता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है, धनात्मक मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व रोजगार प्राप्ति प्रमुख संघ कंपनी के जिस उपयोग द्वारा किया जाता है वह है सरकारी ब्याय, क्या होगा? सरकारी ब्याय, इसका आंसर सरकारी ब्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, पटना हाई कोर्ट, द हाई कोर्ट ऑफ द बिहार स्टेट वाज एग्जिबिलिटी इन 3 फरवरी 1916। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन 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 के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये आपको बिहार पुलिस में 12 तारीख को पूछा हुआ सवाल है, मैं अभी इसको वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है कंठ द्वारा, मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है कंठ के द्वारा, मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है कंठ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, चॉइस ऑफ द करेक्ट इनकरेक्ट स्पेस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द क्वेश्चंस बिलो, ही सी सैड हार्म्स लव शुड फर्स्ट, तो इसका आंसर होगा बी, सी द एक्सपेंड विथ द जॉय डैट द हैड स्टूड फर्स्ट, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ यहाँ चलते हैं, कोशिकाएं पूर्ण सत्ता कि अवधारणा वस्तु करने वाले वैज्ञानिक है, उसको प्रूफ करने वाले वैज्ञानिक, तो ये सवाल हमको नहीं बना है। आप लोगों में से अगर किसी को बना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, इस सवाल का जवाब अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, अणुओं के दो क्रमिक संगठों के माध्य करके उसे चलित औसत दूरी को कहते हैं, तो उसको चलित औसत दूरी को कहते हैं हम मध्य मुक्त पथ, सी आंसर, मध्य मुक्त पथ सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग, केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप है, केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप है
क्या होगा इसका? डी, डी होगा पड़ास, डी पड़ास। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस का आंसर मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी क्वेश्चन मैं पढ़ के बता देता हूँ। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि का मुख्य रूप से किस कारण से होती है? तो ये सॉरी, ये तो मुझे पता है, ये वाला इसका आंसर होगा बंगाल की खाड़ी एवं अवगनन के कारण होती है। ठीक है, अगर कहीं पर गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा और सही बताने का कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। ये तो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन है? निम्नलिखित में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपापन है? तो इसका आंसर नहीं पता, आप लोगों को पता है 19 नंबर का आंसर, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? प्राकृतिक अधिकारों का, तो लस्की के द्वारा शायद हो सकता है, मुझे कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन लस्की ने किया था 20 नंबर क्वेश्चन का, तो देख लीजिएगा आप लोग। और 22 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष नगदी विधि अनुपात के समझाया जा सकता है? तो जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास रहता है वो समझा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस कट चुका है तो इसके लिए सॉरी। ये इसका आपको 24 नंबर का, द यूनिट ऑफ द डिजिट ऑफ इतना का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, कुछ कटा हुआ क्वेश्चन से देख लीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा संतर इस पीडीएफ देने का मैं कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, चॉइस द करेक्ट एडजेक्टिव फ्रॉम द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। स्मॉल आई एवर फॉरगेट यू। तो इसका आंसर है डी, इसका आंसर है डी, इट्स डिजाउट ऑफ द फॉरगेट ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। 2001 से 2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश में हुई है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स किसके द्वारा फैलता है? तो ये आसान सा आंसर होगा, इसका आंसर है विषाणु, ये सबको याद होगा, एड्स विषाणु के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। आसमान का नीला रंग होने का कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का नीला रंग होने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। फ्रांस में पेरिस कंपनीज की स्थापना कब हुई थी, बताइएगा आप लोग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से जिले में वास्कुंडा बांध स्थित है? वास्कुंडा बांध कौन सा जिला में स्थित है? तो इसका भी आंसर आप लोग बताइएगा। गांधीनगर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? तो चंपल परियोजना का हिस्सा है, गांधीनगर बांध चंपल परियोजना का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, मैथ का है कुछ और कुछ औसत का। जब औसत यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी दवा का पीडी हारी है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन पीडीहारी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन पीडीहारी है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। 36 का आंसर आपको बी होगा, सॉल्व करने वाला है। 37 का आंसर भी बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, और 38 का भी आंसर सी होगा, 38 का आंसर सी होगा। कुछ का आंसर फटाक से हम करने का कोशिश करते हैं और कुछ पढ़ने वाला है उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये भी पेपर कंप्लीट हुआ। कुछ पेपर ये है, वीमेन लर्न इंग्लिश, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वीमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन। तो इसका हिंदी क्या होगा, ये बोल रहा है ट्रांसलेट करने के लिए। तो इसमें कह रहा है वीमेन मतलब महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट है आपको, फूलों को सर्वदा विज्ञान को कहते हैं, तो फूलों के सर्वदा विज्ञान को क्या कहते हैं हम, ओलोरो ओलोरो
ऑलरेडी कल्चर, ऑलरेडी कल्चर क्या कहते हैं, ऑलरेडी कल्चर कहते हैं। तो कुछ इसमें और भी महत्वपूर्ण सवाल सब है, आप देख सकते हैं। चाचा संज्ञा से विशेष शब्द बनेगा, चाचा संज्ञा से विशेष शब्द कौन सा, चचेरा बनेगा, क्या बनेगा, चचेरा। इसमें और भी क्वेश्चन सब बन सकता है, देखते हैं। बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दर्शीय जनसंख्या वृद्धि अंकित की गई है, तो कौन सा होगा, पटना। पटना में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यह कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, देख लीजिए। आप स्टॉप करके इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और जहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस रहेगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा पढ़ने वाला, वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी, वास्को डी गामा ने भारत की खोज 1498 में किया था, कब किया था, 1498 में। CRIME के लिए सही परिभाषित शब्द है अपराध, सही परिभाषित शब्द क्या है, अपराध। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म लाल सम्मिलित है, तो मौलवी मोहम्मद फैजाबाद का, मोहम्मदी मोहम्मद फैजाबाद का। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में अनेक अनेक कर्थक शब्द अवधि है। देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ क्योंकि मुझे भी भेजा गया है, मैं खुद नहीं बनाया हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी मैं वीडियो आप लोग के लिए बनाया हूँ। अगर जो आंसर आपको गलत लगे तो उसको सही कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताने की कोशिश करें, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है, क्योंकि जो आने वाले 20 तारीख का एग्जाम है उसके लिए तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है। वर्गीकरण विज्ञान, ये मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, वर्गीकरण विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान पद्धति का अध्ययन किसने किया था, लीनियस ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, PDF देने का सोच रहा हूँ, PDF दूँ कहाँ वो समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए, स्टॉप करके देख लीजिएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए मैं आप नहीं बोल सकता, तो मैं आपको पॉज कर करके दिखा रहा हूँ, देख लीजिए और देखते रहिए बस। ये देख लीजिए आप लोग, किस वर्ष बिहार में औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ, तो 1973 में। ये सब देख लीजिए, स्टॉप कर करके देख सकते हैं आप। ये लास्ट था, तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, और आशा करता हूँ आप लोग को बिहार पुलिस निकले और आप लोग जॉब लें।